क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी कंपनी बदली हो, पुरानी वाली कंपनी के बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हो, फिर आपने नया खाता खुलवाया, फिर नया खाता खुलवाया और वो जो पुराने खाते हैं उनको कभी इस्तेमाल नहीं करा और वो इनएक्टिव हो गए और वो सारा का सारा पैसा फंस गया। वेल, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादातर ये होता है क्योंकि जब जब हम कंपनी बदलते हैं तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बैंक के खाते भी नए बनवाने पड़ते हैं और कई बार कुछ पुराने खातों में पैसा रह जाता है, निकलवा नहीं पाते और वो हमारे अकाउंट भी इनएक्टिव या डोरमेंट हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप वो पैसे निकलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात है, इस वीडियो में हम आपको दो तरीके के बैंक अकाउंट्स बता रहे हैं, इनएक्टिव अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट, और इन दोनों में हमारे पैसे फंस सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इनएक्टिव अकाउंट कौन सा होता है। बेसिकली 12 महीने तक किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते ही नहीं हो तो उस अकाउंट को इनएक्टिव डिक्लेयर कर दिया जाता है और उस अकाउंट में आपका जो भी पैसा है वो उतना ही वहीं पे एज इट इज रहता है। अब आप इस पैसे को निकालोगे कैसे? तो सबसे सिंपल बात है, सबसे पहली बात तो आप ऐसे में बैंक की ब्रांच जा सकते हो या आप उस अकाउंट में, अगर आपको अभी भी डिटेल्स याद हो, अपना यूज़र आईडी याद है, पिन याद है, नेट बैंकिंग याद है, तो आप उस अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो जैसे ही आप 12 महीने के बाद इनएक्टिव अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका अकाउंट वापस से एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट फिर से एक्टिव नहीं हो पाता है तो आप बैंक की नियरेस्ट ब्रांच जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप अपने बैंक को वापस एक्टिव करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं उस अकाउंट को बंद कराना तो भी आप बैंक की ब्रांच में जाके उस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं और आपके पैसे के ऊपर जितना भी बैंक ने उसके ऊपर ब्याज दिया है, आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट में सालाना 3-4% मिलता है, तो वो ब्याज समेत आप अपना पैसा निकाल के अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं गया, आपको वापस मिल जाएगा। दूसरा है डोरमेंट अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट में पूरे 24 महीने यानी कि 2 साल तक किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, ना इनकमिंग हुई पैसों की, ना आउटगोइंग हुई, ना चेक लगा वगैरह वगैरह, तो आपका अकाउंट डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि इनएक्टिव की तरह फटाफट एक ट्रांजैक्शन करेंगे और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डोरमेंट अगर अकाउंट हो गया तो आप चाहे कितने भी ट्रांजैक्शंस कर लो, आप अपने पड़े हुए पैसे वापस इतनी आसानी से नहीं निकलवा सकते। वो अकाउंट एक बार ट्रांजैक्शन करके वापस चालू नहीं होता, उसके लिए आपको बैंक की ब्रांच जाना ही पड़ेगा या फिर कस्टमर केयर में कॉल करना ही होगा। डोरमेंट अकाउंट से पैसा निकलवाने के लिए आपको बैंक की ब्रांच जाना पड़ता है, वहां पर जाके आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपको रीजन बताना होता है कि क्यों आपने 2 साल तक बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया, और उसके बाद आप रिक्वेस्ट करने के बाद अपनी नेट बैंकिंग वापस एक्टिवेट कर पाएंगे और 1-2 दिन के बाद आपका बैंक का अकाउंट वापस एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपके बैंक के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे और हाँ, आपके बैंक में पड़ा जितना भी पैसा है वो वापस इनएक्टिव अकाउंट की तरह ब्याज समेत आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, और अगर आप चाहो इस अकाउंट को कंटिन्यू ना करना तो आप इसके पैसे निकाल के रिक्वेस्ट करके इसे बंद भी करा सकते हैं, डिसीजन आपका ही है। लेकिन अगर बैंक का अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट हो जाए तो हमने आपको बता दिया कि कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे वापस एक्टिवेट करना है, कैसे अकाउंट बंद करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल पैसा लाइफ सब्सक्राइब करें।